सीतामढ़ी में पुलिस कर्मियों का कॉलर पकड़ने के आरोपित पत्रकार को 21 दिन बाद जमानत मिल गई है। वो इस वक्त हमारे कार्यालय में मौजूद है। यदुवंश पंजियार से हम जानते हैं कि इन 21 दिनों में उनको किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा और उनका जो यह अनुभव है वो कैसा रहा। ये बताइए यदुवंश जी कि 21 दिन पहले जब आपको सोनबरसा थाना द्वारा गिरफ्तार किया गया तो उस समय आप कैसा महसूस किए, और ये 21 दिन बाद आज जो आपको जमानत की प्रक्रिया, जेल यातना सब है, ये सबसे आप क्या अनुभव किए हैं? सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो भी पुलिस प्रशासन है छल विद्या से लोगों को अपनी गिरफ्त में रखने का प्रयास करते हैं, छल विद्या से लोगों को फंसाने का प्रयास करते हैं। मेरे साथ इस ढंग से उठाया गया, बर्ताव करके जहाँ से मुझे उठाया गया वहाँ मोबाइल मांगा गया और मैं मोबाइल देने से इनकार किया तो बोला कि पीटना शुरू किया, गाड़ी में उठाया। उसके बाद मुझे जानकी नगर वो जांच में ले गया, मुझे गाड़ी में बैठाया, सिर्फ उसके बाद सोनबरसा थाना ले गया। उसके बाद मुझे वहाँ बैठाया गया। एक ही चीज़ मुझे बोला गया कि आई कार्ड तुम दो, आई कार्ड भी उसको प्रोवाइड कराया गया, लेकिन छोड़ने का वो प्रयास नहीं किया। लेकिन मुझे ऐसा आभास भी नहीं होने दिया कि इसे जेल में लिया जाएगा। फिर उसके बाद बोला गार्जियन को बुलाओ, तो मैंने उनको बोला कि मेरे पास गार्जियन नहीं है, माँ मुस्मात है, भाभी भी मुस्मात है, तो किसको बुलाए? तो फिर उसके जो पुलिसकर्मी हैं वो बोले कि जे वेटफुल आदमी को बुलाइए थाना में। एक एक पुलिस द्वारा जो आप पर आरोप लगाया गया कि आपने पुलिसकर्मियों का कॉलर पकड़ा है, उनको धमकी दी है, 40 पुलिसकर्मी करीब मौजूद थे वहाँ पर, क्या ये आरोप सच है? आपको लगता है कि एक छोटा मोटा आदमी पुलिस प्रशासन को मार सकता है? वो ASP पुपरी और सोनबरसा थाना मिल करके मुझे जमकर पीटा। कौन पीटा नहीं पीटा मतलब नहीं है, दोनों के आदेश पर मुझे पीटा गया। उनके मन में क्या चल रहा था नहीं चल रहा था, सोनबरसा 7 बजे घटना है, 7 बजे शाम में उनको बोले, हम फिर से थाना प्रभारी उनको बोले गार्जियन को बुलाइए, बोले सर मेरे पास गार्जियन नहीं है, अगर आपराधिक क्षेत्र से हम जुड़े रहते तो मेरे पास आज थाना में पैरवी करने के लिए बहुत सारे लोग रहते, लेकिन मेरा कोई पैरवी कार नहीं आएगा। उसके बाद एक बजे के रात में जनप्रतिनिधि आए, जनप्रतिनिधि आने के बाद थाना प्रभारी का बिहेवियर मेरे साथ गलत होने लगा। मुझे पता नहीं है कि क्या मेरे साथ बिहेवियर किया नहीं किया वो हमको पता नहीं है, लेकिन सुबह 7 बजे वो अपने बड़े पर एक ये भी सवाल उठता रहा है कि आप जो है अपने इलाके में जनप्रतिनिधि भूतही का नहीं, भ्रष्टाचार का उजागर करने का मतलब है, भ्रष्टाचार में लिप्त जो लोग हैं सारे लोग हमारे ऊपर हावी हैं। एक व्यक्ति विशेष को मैं नहीं कह सकता हूं क्योंकि मैं सरपंच के प्रत्याशी के लेकर के जनता को जागरूक करते थे कि एक ख्याल में पंचायती होगा, 15 दिन में पंचायती होगा, वकील द्वारा पंचायती होगा, इससे ऊपर से नीचे तक जो करप्ट लोग हैं उनका जीवन अस्त व्यस्त हो रहा था। मुझे उम्मीद है कि उसी के लेकर के मुझे फंसाया गया। आपको लगता है कि इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ा जो भ्रष्टाचार विरोधी नीति जो अपना रहे? जी 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 अगर मैं भ्रष्ट रहता, दारू माफिया के साथ मिलकर रहता, अगर थाना प्रभारी के जी हजूरी करता तो आज मैं जेल नहीं जाता। अब आपका अगला स्टैंड क्या? मेरा स्टैंड है जो मेरा रफ्तार था ईमानदारी के प्रति, सच्चाई के प्रति, मैं उसको बरकरार रखूंगा, परिणाम जो निकले मैं अपना रास्ता नहीं छोड़ूंगा। पत्रकारिता के क्षेत्र में जो हमारे युवा साथी से यही कहेंगे कि आप सिर्फ अपना रास्ता आगे देखिए, अच्छाई के साथ रहिएगा, आज नहीं तो कल आपके साथ अच्छा होगा। मैं 2.5 साल में निस्वार्थ भाव से लोगों का सेवा किया हूँ, आज मुझे उसका परिणाम मिला है। मैं जेल में गया हूँ, न मेरे पास पिताजी है, न मेरे भाई है, आज उसका परिणाम है। सीतामढ़ी के जो लोग भी अच्छे लोग हैं, अच्छे संगठन से जुड़े हुए हैं, पत्रकार बंधु हैं, सब लोग मुझे साथ दिए हैं, उनको सबसे पहले मैं धन्यवाद का पात्र देना चाहता हूं कि मेरे पिता और भाई का फर्जादा हूँ। ये थे यदुवंश पंजियार जो 21 दिन बाद जमानत से बाहर आए हैं और ये अपनी वस्तुस्थिति